हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू टेक्निकल्स में स्वागत है। दोस्तों, आज किस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पोको C55 का FRP अनलॉक गूगल अकाउंट बाईपास कैसे करें, वो भी दोस्तों बिना PC या कंप्यूटर के। तो हम यहाँ फटाफट अपने वाईफाई को कर लिया पहले ही कनेक्ट, आप भी जो है अपने वाईफाई को कर लेंगे कनेक्ट। और कनेक्ट करने के बाद आपको दिखा देते हैं कि इसमें जो है FRP लॉक है, जो कि कस्टमर ने इसे हार्ड रीसेट किया है, जिसकी वजह से ये FRP लॉक आया है, गूगल अकाउंट लॉक आया है, जीमेल लॉक आया है। तो देख सकते हैं, चेकिंग इन्फो अनलॉक आफ्टर फैक्ट्री रीसेट, या तो पिन पैटर्न पासवर्ड जो भी पड़ा होगा वह यहां पे मांगेगा, और यहां से यूज़ गूगल अकाउंट इंस्टीट पर क्लिक करेंगे तो ये रहा वेरीफाई योर अकाउंट। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज जो हम ट्रिक बताने वाले हैं विदाउट PC, विदाउट कोई ऐप जो है डाउनलोड किए हुए आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, FRP बाईपास कर सकते हैं। ये हम टॉकबैक इनेबल करते हैं और ये बहुत सारे फ़ोन में जो है वर्क नहीं कर रहा है। ये MIUI 14 है, एंड्रॉयड वर्जन MIUI 14 है, और यहाँ से मैं टॉकबैक देखिए ये वर्क नहीं किया, तो मैं इसे जो है क्लोज कर दिया। और यहाँ से आपको सीधे एरो पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आगे की तरफ चूज योर रीज़न, और यहाँ से इसे एक्सेप्ट करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। और यहाँ जो है हमें ऐड नेटवर्क पे करना है क्लिक। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क नेम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं ये ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर मोर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से अबाउट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे बहुत सारे ऐसे स्क्रॉल डाउन आ जाएंगे, और स्क्रॉल डाउन आने के बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इस पोको C55 का FRP अनलॉक कैसे करें, वो अभी बिना PC या कंप्यूटर के, बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए हुए। तो इस जीमेल पे क्लिक करेंगे और मैसेज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और न्यू मैसेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ हमें 112 लिख के और जो है इस पे सेंड करना है, और यहाँ हमें मैसेज बॉक्स में लिखना है www.youtube.com, जो कि मैं देख सकते हैं स्पेलिंग सही लिखिएगा youtube.com, और लिख के हमें इसे सेंड कर देना है। सेंड वाले SMS एरो पे क्लिक करेंगे और ये आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ये YouTube में रिडायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ से अलाउ कर देंगे, और यहाँ से प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से अबाउट पे क्लिक करेंगे। अबाउट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें जो है YouTube टर्म्स ऑफ सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे वेलकम टू क्रोम पे हो जाएगा, यूज़ विदाउट एन अकाउंट पे करना है हमें क्लिक, और यहाँ से दोस्तों कंटिन्यू पे कर देंगे क्लिक, अलाउ कर देंगे, और एक नए टैब को ओपन करते हैं, और यहाँ हमें एक वेबसाइट सर्च करना है aadd.rom। देखिए ये आया वेबसाइट, इसे सर्च कर देंगे। ये दोस्तों दिस साइट कैन नॉट बी रीच, बैक आ जाते हैं, फिर से ट्राई करते हैं पूरा जो है लिख के aadd. कभी कभी सर्वर बिजी चलता है, aadd.rom लिखेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तों ये आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, इसे ओपन कर लेंगे, और यहाँ से सेटिंग वाले ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे दोस्तों ये सेटिंग में ओपन हो जाएगा, और मैं आपको जो इसमें सेटिंग करना है नीचे आ जाएंगे, और यहाँ से ऐप्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से मैनेज ऐप पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से ये जो फाइंड ऐप लिखा हुआ है, आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। सिक्योर फ्री ऑफिशियल ये गेट ऐप्स यहाँ से स्किप कर देंगे। ये जो है MIUI का जो है ऐप डाउनलोड करने वाला ऐप आ गया है, और यहाँ से हमें सर्च बॉक्स में सर्च करना है एक्टिविटी लॉन्चर, पूरा लिखना है दोस्तों। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों कि वीडियो जो है ब्लर हो जा रहा है बार बार, तो ये हम इसीलिए पूरा जो है स्पेलिंग लिखे हैं। देखिए ये एक्टिविटी लॉन्चर, पूरा स्पेलिंग सही लिखना है, और जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने पहले ही ऑप्शन पहले ही एकदम ऊपर ही आ जाएगा, पहले ही नंबर पर आ जाएगा। इसे हमें जो है इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, थोड़ा ये वेबसाइट ओपन हो जाने दीजिए, पूरा जो है आ जाने दीजिए, और यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करते ही दोस्तों कनेक्टिंग, और ये कुछ देर में होने लगेगा इंस्टॉल। और इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, ये आपका जो है FRP बाईपास हो जाएगा, गूगल अकाउंट बाईपास हो जाएगा बिना PC या कंप्यूटर के, और बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए हुए। तो दोस्तों सिंपली हम एक बार बैक आ जाते हैं, थोड़ा ये टाइम ले रहा है, थोड़ा नेटवर्क इशू भी है, देख सकते हैं ये ओपन का आ गया इंटरफेस। तो यहाँ से डिस्क्लेमर को ओके कर देंगे, और ये लोडिंग ये थोड़ा ले सकता है थोड़ा सा वक्त,
तो हम इसे फास्ट कर दिए हैं। और यहाँ से हमें सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना और लिखना स्पेस यस पी ए सी ई। लिखने के बाद दोस्तों हमें थोड़ा सा स्पेस भी देना है, स्पेस लिखने के बाद स्पेस भी देना है। और जैसे ही देंगे सेकंड स्पेस फिंगर प्रिंट करके ऐसे ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक कर देंगे और यहाँ आपके सामने स्किप कर देना है ये इंटरफेस पे, और ये हमारा FRP बाईपास हो गया। तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और अगर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में करें, हम 100% रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पोको C55 है, देख सकते हैं हम यहाँ पे लॉक करते हैं और फिर से अनलॉक हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों हमें रिस्टार्ट कर देना है हैंडसेट को, और रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको दिखाते हैं कि इसका कौन सा मॉडल नंबर है, कौन सा वर्जन है। और ये पोको का C55 है, ये हो गया हमारा हैंडसेट रिस्टार्ट, रिबूट हो गया और देख सकते हैं ये आसानी से खुल जा रहा है, अब कोई भी लॉक नहीं है इसमें। तो फटाफट इस वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिया, अगर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, हम 100% कोशिश करेंगे रिप्लाई देने का। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया, देख सकते हैं ये पोको C55 है, MIUI वर्जन ग्लोबल वर्जन 14 है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बिना PC या कंप्यूटर के और बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए हुए ये हमारा पोको C55 अनलॉक हो गया है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।